2013 के बाद से झूठ में जी रहा है। 2014 के अगर मोदी जी भी अपने भाषण स्वयं सुन लेंगे तो उन्हें भी लज्जा आ जाएगी। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार अब की बार उनकी सरकार। डॉलर 35 रुपए में मिलेगा, पेट्रोल 35 रुपए में मिलेगा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, और तमाम तरह की इतने लंबे लंबे झूठे वायदे किए गए कि जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, खासतौर पर नौकरी करने वाले, वो चाय पर चर्चा होती थी, वो तो यूं ही आ जाएगा। फिर धीरे धीरे जैसे समय भला, तो अब नोटबंदी है तो काला धन बाहर आ जाएगा, फिर काला धन विदेशों से 4 लाख करोड़ आ रहा था। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो मतलब लोग बेवकूफ हैं, कांग्रेस अकलमंद है। मैंने नहीं कहा, हाँ। मैंने बेवकूफ नहीं कहा, ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप। सारे गोदी चैनल मोदी का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एबीपी न्यूज, सॉरी बीजेपी न्यूज की एंकर रोमाना इसार खान को पता नहीं मोदी जी से ऐसा कौन सा लगाव है कि अपनी डिबेट्स में मोदी जाप करती रहती है। रोमाना मैडम को मोदी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैडम रोमाना बीजेपी को डिफेंड करने में लगी रहती हैं और विपक्ष पर सवाल दागती रहती हैं। आज भी मैडम यही कर रही थी, पर आज सामने आलोक शर्मा थे और आलोक शर्मा ने मैडम को लपेट कर रख डाला। बीजेपी इस तरह मैं वही कह रहा हूँ, बीजेपी इस तरह की भाषा बोलकर हमसे सवाल पूछती है। मैंने नहीं कहा कि लोग बेवकूफ हैं, मैंने कहा कि कहीं ना कहीं बहकावे में है जनता। और मैंने तमाम एग्जांपल गिनाए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। 2022 भाइयों बहनों मित्रों किसान की आय डबल, और किसान हर घर में जल और जल, छत होगी छत के नीचे नल होगा, नल के नीचे बाल्टी, बाल्टी में पानी और पानी में डब्बा। गजब बेइज्जती है। अरे भाई 2022 में आते आते क्या किसानों की आय डबल हो गई? नहीं तो ये बहकावे की वजह से सुधांशु जी, ये बहकावे में आकर मैडम एक मिनट, मैडम एक मिनट, मैडम एक मिनट, मैडम मुझे बात तो पूरी, मैंने बात तो पूरी कर लेनी चाहिए, मैंने मुझे बात तो पूरी कर लेनी चाहिए। आपका यहाँ पर पूरे होर्डिंग्स लगे हैं मोदी की गारंटी, ठीक है? आप भरसक प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी का प्रचार हो। क्या बात, ये बात है सर, देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी की गारंटी चली है, फिर कहूंगा। चुनावी राज्यों के अंदर जो नतीजे आए हैं उसमें यही गारंटी चली है। मोदी जी की गारंटी पिछले 2014 के बाद से 40 चुनावों में क्यों नहीं चली, 2018 में क्यों नहीं चली? इन्हीं तीनों राज्यों में मोदी जी हारे थे। क्या मोदी जी की गारंटी चल रही है, इसका प्रचार आप ऐसे करेंगे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है मोदी की गारंटी शो में करते हुए। इस बार जब गारंटी चली है तो हम शो कर रहे हैं सर। आप चैनल के सर जो लाइन लेंथ है वो तो तय मत करिए ना, कम से कम मंच पर बैठकर आप ये तो नहीं तय कर सकते। मैं कह रहा हूँ आपका विशेषाधिकार है, मैंने तो पहले भी देखा, मैं मंच पर बैठा हूँ ना, मैं अपने उत्तर दे रहा हूँ ना, कम से कम बोल लेने दीजिए। अगर मोदी जी की इतनी गारंटी थी तो तेलंगाना में क्यों नहीं चली? मोदी जी की गारंटी मणिपुर में नहीं चल रही? पहली गल के किसी ना मेल जोड़ नी मेरा, बड़े कारण डूंगिया ताही टकिया चेरा निकला। मणिपुर में कल भी 13 लोगों की हत्या हो गई आपस में गोली बारूद चल के। मोदी जी की गारंटी वहां नहीं चल रही? मोदी जी वहां पर जाकर एक भी अंतिम बात कहना चाहता हूँ। क्या देश के प्रधानमंत्री को, क्या देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विश्व गुरु हैं वो, क्या एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर ये नहीं कह सकते? मणिपुर पुराना मुद्दा है, हम लोग बहुत बार। अरे मैम 13 लोग कल मरे, सुनिए ये पुराना मुद्दा, राजनीति क्या होती है मैं बताता हूँ। मीडिया के साथियों को पुराना मुद्दा लग, भाई मैं बोल इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। अब सुनिए, इसीलिए कहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से बीजेपी का साथ देता है। मैं कहना चाहता हूँ मणिपुर की राजनीति क्या होती है मैं बताता हूँ। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं रोकेंगे कि मणिपुर पुराना मुद्दा है। मणिपुर